वेलकम बैक टू टेक्निक पंडित। मैं सत्यम और आज हम फिर से बात करने वाले हैं इंजीनियर मैकेनिक्स की। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है। आपने अगर नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज अप्लाइड मैकेनिक्स की। जैसा कि आपका सिलेबस है, सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आप अपने सिलेबस को खोलिए और देखिए टू दी पॉइंट आपको मिलते चला जाएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स, भैया अप्लाइड मैकेनिक्स होता क्या है, तो जैसा कि देख लेते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है। अप्लाइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ ऑल इंजीनियर्स। भाई कहने का मतलब क्या कि अप्लाइड जो मैकेनिक्स है या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, वो इंजीनियरिंग का बैकबोन है। जैसे कि शरीर का बैकबोन होता है जिस पे इंसान का क्या स्ट्रक्चर टिका होता है, वैसे ही इंजीनियरिंग के लिए क्या है, मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक आइडियाज़ देता है, ठीक है, किसके लिए, इंजीनियरिंग स्किल को और डेवलप करने के लिए। तो आगे हम देखते हैं, इट डील्स विद द स्टडी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स मोमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी एट रेस्ट एज इन मोशन। हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, हम इसमें स्टडी करते हैं किसके बारे में स्टडी करते हैं भाई, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं। और इसमें हम जानते हैं फोर्स को, मोमेंट को और इसके इफेक्ट को, या तो हमारा बॉडी मोशन कर रहा है या हमारा बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मैकेनिक्स को हम स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स के अंदर हम फोर्स, मोमेंट, ठीक है, या तो हमारा बॉडी रेस्ट में या मोशन में, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जानते हैं मैकेनिक्स के अंदर। फिर बोलता है इट हेल्प टू अप्लाइड मैकेनिक्स वी अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट फोर्स एंड एक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। इसके अंदर अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या मैकेनिक्स, हमारा जो बॉडी है मैकेनिक्स के अंदर कैसे वर्क करता है। जब हम उस पर डिफरेंट टाइप्स के फोर्स को क्या करते हैं, लगाते हैं, एक्ट करते हैं, तब हमारा जो बॉडी है कैसे एक्ट करता है, ठीक है, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, किसके अंदर, अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई अप्लाइड मैकेनिक्स की, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई एक और मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, कि भाई अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स को हम AM यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है, AM। तो क्या होता है, अप्लाइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है, ब्रांच है, किसका ब्रांच है, साइंस का ब्रांच है, ठीक है, शाखा है, जो कि हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो मोशन ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, तो हम उसके बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाई ह्यूमन विद विदाउट हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं बिना किसी इक्विपमेंट के यूज के। मान लीजिए कि वो इक्विपमेंट हम चेक नहीं कर रहे कि हाँ भाई ये कि इस ऑब्जेक्ट में कितना मोशन हो रहा है, और हम उसको क्या कर एक्सपीरियंस कर, एज लाइक एज मान लीजिए एक ट्रेन है आपके बगल से गुजरा, ठीक है, आपके बगल से ट्रेन निकला, तो भाई आप बता दो कि हाँ ये ट्रेन था, बुलेट ट्रेन था, लग रहा है कि 105 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्रॉस किया है। तो हमने क्या किया, एक्सपीरियंस किया, किसको एक्सपीरियंस किया, स्पीड को एक्सपीरियंस किया, एक्सलरेशन को हमने मापा, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ को हमने एक्सपीरियंस किया। तो क्या करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर, हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के यूज़ किए हुए। अब देखते हैं कि भाई अप्लाइड मैकेनिक्स को अगर हम क्लासीफाइड करें, बांटे, तो हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो अप्लाइड मैकेनिक्स को हम एस्थेटिक्स और डायनेमिक में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो भाई एस्थेटिक्स क्या होता है आपको पता होगा, और डायनेमिक्स क्या होता है आपको भी पता होगा बखूबी। स्टैटिक मतलब रेस्ट, डायनेमिक मतलब मोशन। तो अब हम क्या करते हैं भाई, स्टैटिक मतलब रेस्ट, जो रुका है तो वो तो स्टॉप है, तो अब हम बात क्या डिफाइन करते हैं, डायनेमिक को। तो डायनेमिक मतलब मोशन, तो मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो दो टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला टर्म हमारे पास क्या आता है, काइनेमैटिक्स, और दूसरा काइनेटिक्स। ये दो टर्म्स आता है जिसमें हम अप्लाइड मैकेनिक्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई एस्थेटिक्स क्या होता है, जैसे कि हमने दो भागों में बांटा, तो एस्थेटिक्स क्या होता है, एस्थेटिक मींस स्टेशनरी और फिक्स्ड, मतलब क्या कि वो ऑब्जेक्ट जो मेरा रुका हुआ है या फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्थेटिक्स बोलते हैं। फिर क्या है, एस्थेटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, एस्थेटिक क्या है, मैकेनिक्स का क्या है, हिस्सा है, कौन सा, दैट डील्स विद द बॉडी एट रेस्ट। और हम इसके अंदर क्या हम पढ़ते हैं, हमारा बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो, ठीक है,
स्टैटिक्स किसका हिस्सा है, मैकेनिक्स का हिस्सा है, और इसमें हम बॉडी के रिस्क के बारे में जानते हैं। और हम क्या जानते हैं, स्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स इन बॉडी और स्ट्रक्चर। स्टैटिक्स जो स्टैटिक है, जो रेस्ट है, उसके अंदर हम एक और चीज को जानते हैं। क्या जानते हैं कि या तो हमारा बॉडी के अंदर क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या इंटरनल फोर्स, दोनों फोर्स को भी हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, हम जानते हैं, इसके अंदर स्टडी करते हैं। किसके अंदर, स्टैटिक्स के अंदर, ठीक है। अब हम और क्या स्टडी करते हैं इसके अंदर, द स्टडी ऑफ द सिस्टम इन विच अ मोमेंट डज नॉट चेंज इज कॉल्ड स्टैटिक्स। मतलब कि अगर हमारा कोई बॉडी है, ठीक है, तो उस पर हम कितना भी फोर्स लगा दे, सिस्टम मतलब कि ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स इज नोन एज अ सिस्टम्स, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जितने फोर्स अगर हम क्या करते हैं, फोर्स एक्ट करे, किस पे एक्ट करे, स्टैटिक्स, किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसमें कोई मोमेंट नहीं होगा, उसमें कोई भी मोमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसमें कोई मोशन नहीं आएगा। तो ये बात हो गई भाई स्टैटिक्स की। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई डायनेमिक क्या होता है। तो डायनेमिक मतलब मोशन, जैसा कि हमने बता रखा है। तो भाई देख लेते हैं कि डायनेमिक क्या होता है। द स्टडी ऑफ द डायनेमिक इज, ठीक है, चेंज इन पोजीशन इन वन पॉइंट टू अदर इन इनिशियल स्टेज। कहने का मतलब कि डायनेमिक में हम क्या स्टडी करते हैं, तो चेंज इन पोजीशन मतलब कि वो क्या होता है, अपने पोजीशन को चेंज करता रहता है लगातार, अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे क्या होता है, चेंज करता रहता है। कहाँ, जो पहले जिस जगह पे था, जिसका इनिशियल स्टेज जो था। सपोज करते हैं कि मान लीजिए कि हमारा बॉल जो है, ठीक है, तो बॉल मेरा क्या पहले रुका हुआ था, ठीक है, अब मोशन करना शुरू हुआ, तो एक जगह पे गया, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ठीक है। ये जैसे एज फॉर एग्जांपल ट्रेन ले सकते हैं, ट्रेन क्या करता है, स्टार्ट हुआ चलना, फिर एक स्टेशन दूसरे, दूसरे से तीसरे, मतलब अपना इनिशियल स्टेज जो पहले जहां था वहां से क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने मोमेंट को चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। डायनेमिक के अंदर हम यही स्टडी करते हैं मोशन को, ठीक है। फिर क्या है कि डायनेमिक कैरेक्टर्स आर द अपोजिट और एस्थेटिक कैरेक्टरिटीज। कहने का मतलब तो जो है, ये डायनेमिक कैरेक्टर्स आर द अपोजिट ऑफ द एस्थेटिक कैरेक्टर। मतलब कहने का मतलब कि जो हमारा डायनेमिक कैरेक्टर था, डायनेमिक मतलब जो मोशन था, ठीक है, तो मोशन के अंदर जो कैरेक्टर था वो जस्ट अपोजिट है, किसके अपोजिट है, एस्थेटिक कैरेक्टरिटीज कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। वो क्या, एस्थेटिक मतलब रुका हुआ, और डायनेमिक मतलब मोशन। तो भाई डायनेमिक पूरा अपोजिट होगा एस्थेटिक के, सिंपल सी बात है, वो तो सबको पता है भाई। अब कुछ खास क्या देख लेते हैं, द स्टडी ऑफ द डायनेमिक इन चेंज इन मोशन। सबसे बड़ी खास बात ये है, सबसे बड़ी खास बात क्या है कि क्या होता है, चेंज इन मोशन, ठीक। क्या, किसमें चेंज इन मोशन, तो डायनेमिक में। क्यों, क्योंकि डायनेमिक का मतलब ही होता है मोशन, ठीक है। तो डायनेमिक का मतलब ही होता है मोशन, तो क्या होगा, वो चेंज करेगा, क्या करेगा, पोजीशन को चेंज करेगा, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट पे क्या करेगा, चेंजेस मिलेगा देखने को। तो ये भाई डायनेमिक की बात हो गई। अब देख लेते हैं कि भाई कि हमने क्लासिफाइड किया था अप्लाइड मैकेनिक्स को, तो इसके दो टर्म्स था क्या, काइनेटिक और काइनेमेटिक और काइनेटिक, ठीक है, दो टर्म्स था, ठीक है। हमने स्टैटिक और डायनेमिक को हमने स्टडी किया, फिर डायनेमिक को हमने जब क्लासिफाइड किया था, बांटा था, तो किसमें, किसमें, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, दो टर्म्स में बांटा था। तो भाई कि काइनेटिक्स क्या होता है और काइनेमेटिक्स क्या होता है, दोनों का हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि भाई काइनेमेटिक्स क्या होता है। तो सबसे पहला टर्म है काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स एक्सप्लेन द टर्म्स सच एज एक्सलरेशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो काइनेमेटिक के अंदर हम किस किस चीज की बात करने वाले हैं भाई, एक्सलरेशन की बात करने वाले हैं, ठीक है, फिर क्या, वेलोसिटी की बात करने वाले हैं, और किसकी, पोजीशन चेंजेस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करने वाले, कि मेरा ऑब्जेक्ट जो किस पोजीशन में मोशन कर रहा है, या रुका हुआ है, या यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो ये सारे करेक्टरिटीज को, ये सारे करेक्टर को हम डायनेमिक के अंदर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो एज फॉर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि ट्रेन मूविंग, हमारा कोई ट्रेन है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, हमारा जो कोई ट्रेन है क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या दिखा, क्या दिखा, चेंजेस दिखा। फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहना भी क्या है, मोशन है। तो ये सारे चीज को हम काइनेमेटिक के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारा है काइनेटिक्स, तो भाई काइनेटिक क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो काइनेटिक इज द फोर्स ऑन अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस एज लाइक एज रोटेशन मोशन।
कहने का मतलब हम इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्स को हम स्टडी करते हैं। किसके अंदर? काइनेटिक्स के अंदर। काइनेटिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम क्या जानते हैं, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोशन को हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्टडी करते हैं। जैसे कि एज लाइक एज देख सकते हैं, रोटेशनल मोशन किसके अंदर? काइनेटिक्स के अंदर अलग अलग फोर्स को स्टडी करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं फोर्स और टॉर्क, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड वीडियो था। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।